एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 2 जो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो चलिए देख लेते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप स्लाइड्स देख पा रहे हैं उसमें लिखा हुआ, आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर एसिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, व्हाट आर बेसिस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस और व्हाट आर सॉल्ट्स। ये इंट्रोडक्शन वीडियो इस चैप्टर का, तो इसमें हम लोग बेसिकली कॉन्सेंट्रेट करेंगे एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में, मतलब एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं। फिर जो लेक्चर 2 आएगा पार्ट 2, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दी जाएगी, आप वहाँ से जाकर इसको ओपन कर सकते हैं। पार्ट 2 में वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे जो रिएक्शन होती है, जैसे मेटालिक ऑक्साइड से एसिड की होती है, बेस की एसिड से होती है, तो क्या बनता है कंपाउंड, ठीक है, वो हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है व्हाट आर एसिड्स। तो अब समझते हैं एसिड क्या होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एसिड की डेफिनेशन दी हुई है, एसिड इज डेराइव्ड फ्रॉम एसिडस विच मीन्स सॉल्ट, एंड एन एसिड इज अ कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोनियम आयन H3O+ और H+ व्हेन डिसॉल्वड इन वाटर। अब इसका मतलब समझते हैं इस डेफिनेशन का। आपको ये तो पता चल गया एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सॉल्ट टेस्ट होता है। अब ये जो डेफिनेशन लिखी है H3O+ और H+ आयन, तो आप पहचानोगे कैसे कौन सी चीज एसिड है, कौन सी चीज बेस है। तो एसिड पहचानने के लिए अगर कोई भी एलिमेंट है, कोई भी चीज एसिड है, तो उसमें H+ आयन जरूर होगा। H+ आयन मतलब हाइड्रोनियम आयन, H3O+ हाइड्रोनियम आयन से बोलते हैं, H+ आयन हाइड्रोजन आयन। तो जैसे यहाँ HCl लिखा हुआ है, अगर आप इसे ब्रेक करो तो HCl- होता है, H+ होता है, तो आप देख पा रहे हो जब आयन्स बनाते हैं तो HCl- तो H+ आ रहा है HCl में कि नहीं आ रहा है, तो ये एक हो गया एसिड। लेकिन आप लोग कहोगे Cl- भी तो आ रहा है तो बेस क्यों नहीं हुआ, बेस तब हुआ जब OH- आएगा, नॉट Cl- SO4 डबल माइनस ये सब नहीं, जब OH- आएगा किसी भी कंपाउंड में तो वो हो जाएगा जो कंटेन करेगा कंपाउंड OH- हाइड्रोक्साइड आयन, उसे हम लोग बोलेंगे बेस। और जितने भी कंपाउंड्स हाइड्रोनियम आयन कंटेन करते हैं H+ उन्हें बोलेंगे एसिड, जैसे H2SO4 H+ आ रहा है कि नहीं। आप बस ये देख लेना किसी भी कोई भी आपको कंपाउंड का नाम दिया है उसमें H आ रहा है कि नहीं, सिर्फ H, OH नहीं लिखा होना चाहिए। अगर सिर्फ H लिखा हुआ है तो 100% वो एसिड होगा, और H+ तो आप समझ जाओगे कि आयन है वो। तो इस तरीके से आप लोग इसकी एसिड की डेफिनेशन एग्जाम में लिख सकते हो। ये डेफिनेशन मैंने खुद से इसको सिंपलीफाई किया कि जितना आसान मैं बना सकूं। तो अगर आपके एग्जाम में आए कि व्हाट आर एसिड्स, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो। चलो अब देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो जैसा कि आप लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, पहली वाली तो वही हो गई, दे आर सॉर इन टेस्ट। फिर सेकंड जो है वो है कोरोसिव इन नेचर। फिर जो थर्ड आती है, जो फोर्थ वाली पहले मैं बता देता हूँ, जो लिटमस पेपर के बारे में दिया हुआ है, ये हम लोगों ने क्लास 8th में जरूर पढ़ा होगा कि लिटमस पेपर क्या होता है, एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर था क्लास 8th या क्लास 7th में। तो क्या होता है, अगर हमें किसी भी सब्सटेंस को पहचानना ये एसिड है या बेस है, अब हम ऐसे तो देख के अगर हमें बताना कुछ भी रखा हो हमारे पास, हम जिसको नहीं जानते हैं, तो लिटमस पेपर अगर हम लोग ले जाएंगे उसके पास तो रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा। इससे आप लोग ये याद कर सकते हो कि एसिड डेंजर होता है, जैसे कि तो रेड मतलब डेंजर, तो एसिड हमेशा रेड में कन्वर्ट कर देता है लिटमस पेपर को। तो ये भी आप उसकी एक प्रॉपर्टी लिख सकते हो। और जो थर्ड पॉइंट है वो एसिड की डेफिनेशन से ही लिया गया है कि एक्वा सॉल्यूशन मतलब वाटर, जब भी एसिड को हम लोग एक्वा सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो क्या होता है H3O+ आयन बनता है, और वाटर भी, और जो एलिमेंट जैसे HCl+H2O तो बनेगा हमारा H3O+ आयन बनेगा। तो मतलब कि ये एसिड है और ये H+ आयन कंटेन कर रहा है। चलिए अब देखते हैं वाट आर बेसिस। तो जैसा कि यहाँ पे बेस की डेफिनेशन दी हुई है, अ बेस इज अ कंपाउंड विच गिव फ्री हाइड्रोक्साइड आयंस व्हेन डिसॉल्वड इन वाटर। मतलब कि हाइड्रोक्साइड OH- जैसे यहाँ देख पा रहे हो NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बेस है। तो OH जहाँ पर लगे, कोई भी कंपाउंड में जहाँ पे भी OH आपको दिखे, वो समझ जाना वो 100% बेस है। वहाँ से आप पता लगा सकते हो कि ये बेस है, क्योंकि ये OH- आयन कंटेन कर रहा है। तो आप लोग ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हो अपने एग्जाम में जो मैंने लिखी हुई है। एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है NaOH, अगर आप इसको ब्रेक करो तो Na+ आयन OH- आयन, आप कहोगे Na+ आ रहा है वो तो H+ था, तो यहाँ पे ये नहीं कह दो कि भैया यहाँ पे तो Na+ आ रहा है, प्लस आ रहा है तो ये तो एसिड होना चाहिए ना, लेकिन सिर्फ वहाँ H+ आना चाहिए, या तो H3O+, ये Na सोडियम आयन कंटेन कर रहा है, ना कि हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन, लेकिन ये यहाँ पे सोडियम आयन के साथ साथ हाइड्रोक्साइड आयन भी कंटेन कर रहा है। तो हाइड्रोक्साइड आयन जो भी कंटेन करते हैं जितने भी सब्सटेंस या कंपाउंड, वो होते हैं बेसिस। तो चलिए अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस जैसा कि यहाँ पे दी हुई है, दे आर बिटर इन टेस्ट, एसिड सॉर इन टेस्ट है। तो ये आपको एक डेफिनेशन मिल गई, आप ये भी लिख सकते हैं अगर आपको सिर्फ डेफिनेशन 2 मार्क्स की आ रही हो। फिर इसके बाद जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि स्ट्रॉन्ग बेसिस को एल्केलीज भी बोलते हैं, ये भी हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग बेसिस वीक बेसिस में डिफरेंस करेंगे हम लोग, वो पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक जा करके इसे देख सकते हैं।
थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है जैसे कि दे हैव सोपी टच एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस हैव कोरोसिव इफेक्ट ऑन स्किन। तो ये चार पॉइंट आप याद कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस पूछा जाए। तो चलिए समझते हैं अपने लास्ट टॉपिक के बारे में इस वीडियो का, जो है व्हाट आर सॉल्ट्स। तो यहाँ पे जैसे कि सॉल्ट की डेफिनेशन दी हुई है, सॉल्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट। मतलब कि जब एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करता है केमिकली तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट और प्लस वाटर निकलता है। ये रिएक्शन भी हम लोग और आगे सीखेंगे अच्छे से, पहले समझ लेते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है NaOH प्लस HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या बना है NaCl। NaCl कॉमन सॉल्ट होता है जो हम लोग रोज डेली कंज्यूम करते हैं, नमक जिसे बोलते हैं, और H2O वाटर ये रिलीज कर रहा है। तो इससे आप समझ गए कि क्या बनाता है, सॉल्ट। और सॉल्ट हमें हार्मफुल इतने नहीं होते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो हम लोग उसे खा रहे हैं, सॉल्ट को खाते हैं NaCl को। तो आप समझ जाओ कि NaOH एक बेस है, HCl एक कितना खतरनाक एसिड है, जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज होती है, जो नया कंपाउंड बनता है वो बनता है सॉल्ट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हमने क्लास चैप्टर 1 में पढ़ी थी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में, यही वाली रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो हो वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करेगा, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।